गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने चैनल पर बहुत ही सुंदर क्रोशे से एक पैटर्न बनाकर बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। तो इस पैटर्न के लिए सबसे पहले हम आप 17 चेन बनाएंगे। पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे, स्लिप स्टिच ले ली, फिर आप 17 चेन बनाएंगे। 1 2 3 मिलते हैं। 15 चैन बना लिए, ये 16 और ये 17, 17 चैन हो गई। अब तीन चैन को स्किप करेंगे, 1 2 3, इन तीन चैन को स्किप करके चौथी चैन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 दिख रहा है, 2, इस तरह इस पूरी लाइन पर हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मिलते हैं। हमने पैटर्न का बेस तैयार कर लिया है, 17 चैन लेकर 3 चैन को स्किप करते हुए इस पर 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया बना लें। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेके पलट जाएंगे अगली लाइन के लिए, 1 2 3। अब हमारा मेन पैटर्न शुरू होता है, ठीक है। तो एक तो ये हमारा डबल क्रोशिया है, ये एक और यहाँ बना लेंगे। बीच बीच में आपको मैं टिप्स बताती रहूँगी। ये देखिए, अब हमें हमारा ये धागा बदलना है, येलो लगाना है, ठीक है। पैटर्न यहाँ से शुरू है। तो धागा बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाल के दो डबल क्रोशिए बनाए ना हमने, सेकेंड वाले डबल क्रोशिए के जो हमने एक बार निकाल लिया और दूसरे बार निकालेंगे तो ये दो फंदे रहते हैं ना, इसमें से निकालेंगे ताकि क्या है, धागा जोड़ें तो हमें मतलब सफाई से बने हमारा पैटर्न, ठीक है। और ये जो धागा चलता रहेगा वो इसके बीच में चलता रहेगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। दो तो हमने लाल बना लिए, अब हमें दो पीले बनाने हैं। पैटर्न शुरू हुआ हमारा, दो पीले बनाने हैं। अब देखिए, हमें धागा बदलना है क्योंकि अब आगे दो लाल बनाने हैं। तो ये मैंने 3 का 2 किया, ये 2 यहाँ रह जाएंगे, यहाँ इस पर दिख रहा है ना। अब मैं लाल धागा इसमें डाल के ले लूँगी, निकाल लूँगी ताकि ये हमारा जो डिजाइन बिल्कुल सफाई से बना, पता ही नहीं चले कहाँ धागा जोड़ा है। अब मैं ये 2 लाल बना लूँगी, ये मैंने 2 लाल बना लिए। ये यहाँ बदलना है हमें धागा, तो 2 रख लिए, ठीक है। अब पीला धागा जोड़ना है, ऊन जोड़नी, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गए 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब मैं 6 पीले बनाऊंगी डबल क्रोशिए, इस उनको यूँ चलने देंगे साथ साथ इसी के अंदर छुपाते हुए ताकि पैटर्न में सफाई आए। एक दो तीन चार पांच और ये आ गए 6, 6, ठीक है। अब वो यहाँ हमें 2 लास्ट वाले रेड बनाने, तो मैं यहाँ ऊन बदल लूँगी इन्हीं 2 फंदों में से निकालते हुए, और 2 मैं ये अब रेड बना लूँगी। एक बात का और ध्यान रखिए कि इसमें दोनों साइड में 2-2 रेड पूरे पैटर्न में बनेंगे, दोनों साइड में। देखिए, आप मैं बताती हूँ आपको, ये 2 रेड है और यहाँ भी 2 रेड आएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब वापस मैं 3 चैन लूँगी,
तीन चैन लूँगी और इसको मैं ऊपर ले लूँगी। अभी पीले का काम नहीं, लेकिन मैं इसको ऊपर ले लूँगी ताकि ये बीच में पट दिखे नहीं हूँ। ये तीन चैन रेड से ले लूँ, एक दो तीन, ठीक है। और दो तो साइड के हमें रेड बन नहीं है, तो एक तो ये चैन का ही हो गया और एक और ये हो गया आपके रेड का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ रेड का ही चलेगा दो और फिर दो और रेड के, ठीक है, फिर दो और रेड के, यानी कि चार दो छह डबल क्रोशिया हमने रेड के बना लिए, दिख रहा है ना आपको साफ। अब ये जो साइड के दो रेड चलेंगे, बीच के दो येलो चलेंगे, इधर भी ये साइड का दो रेड डबल क्रोशिया बनाएंगे उनसे। तो अब हमारे यहाँ ये मैंने कहा था मेरे को धागा बदलना है, तो ये अब मैं येलो ले लूँ क्योंकि बीच के हैं दो, तो यहाँ से मैंने ये बदल दिया है, ठीक है। अब मैं दो पीले बना लूँगी डबल क्रोशिया, दो पीले बना के फिर दो लाल, फिर दो पीले, फिर दो लाल मिलते हैं, पूरा हो गए। अब तीसरी लाइन में मैं इसको पीले को ऊपर ले जाऊंगी और तीन चैन लाल से बनाऊंगी। ये साइड में तो इसलिए ले रहे हैं ताकि दिखे नहीं, एक दो तीन, ठीक है, और पलट जाएंगे हम इधर, ठीक है। इसको यूँ साथ साथ लेके चलेंगे उनको, एक तो ये डबल क्रोशिया हो गया चैन का और एक ये दो। मैंने आपको बताया है साइड में दो हमेशा लाल बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, दिख गया ना आपको, अब हम हमारी ऊन बदलेंगे, ठीक है। अब येलो ऊन लेंगे, येलो ऊन से हम अब 10 पीले, तीसरी लाइन है हमारी, 10 पीले डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, 10 पीले डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में दो लाल क्रोशिया बना के मिलते हैं। अब हम पैटर्न की चौथी लाइन में आ गए हैं, तीन चैन लेके पलट लिया है हमने और यहाँ पर दो लाल डबल क्रोशिया बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्योंकि दो पीले बनाने, तो मैंने आपको बताया यहाँ ध्यान दीजिए, ये दो फंदे ऊपर रखेंगे और यहाँ कलर चेंज कर लेंगे ऊन का, ठीक है, और इस ऊन को इसके अंदर छुपाते हुए दो पीले बनाएंगे डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया पीले बनाएंगे, ठीक है। ये दो डबल क्रोशिया पीले बन गए, यहाँ दो, अब दो लाल बनाने ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ इसको इससे नहीं बनाऊंगी, कलर चेंज करना है ना ऊन का, तो ये लाल ऊन को मैं इसके अंदर बना लूँगी ताकि ये पैटर्न में हमारी सफाई आए, ठीक है। और अब मैं दो लाल से बना लूँगी, अब नेक्स्ट में हमें फिर वापस दो पीले से बनाने हैं, तो यहीं मैं ऊन बदल लूँगी, पीली ऊन लगा लूँगी, ठीक है, और लाल को मैं नीचे ले आऊँगी और दो पीले ये जो बीच के हैं ना, पूरे पैटर्न पांच लाइनों का है, ये हमारी चौथी लाइन चल रही थी, तो पूरे पैटर्न में दो इधर लाल के, इधर भी दो लाल के, बीच में दो पीले चलेंगे, तो ये बीच के दो पीले। अब लास्ट में मैं यहाँ देखो मैंने ऊन बदल ली है, लास्ट के अब हमारे जो ये दो दो चार दो छः दो आठ है, ये अब छः और बचे हैं, 14 का पैटर्न है ना, 14 डबल क्रोशिया का, तो अब 6 डबल क्रोशिया में लाल से बनाते हुए मिलते हैं। लो जी हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया है। आई होप आपको अब तो समझ में आया होगा कि मैंने स्वास्तिक बनाया है, अच्छा बना ना। तो पांच लाइनों में हमारा पूरा पैटर्न हो गया, पाँचवीं लाइन में दो डबल क्रोशिया लाल उनसे और ये 6 पीली ऊन से बनाए डबल क्रोशिया, फिर दो लाल ऊन से बनाए डबल क्रोशिया, फिर दो पीली ऊन से
और फिर दो लास्ट में लाल ऊन से डबल क्रोशिया बनाया। टोटल 14 डबल क्रोशिया का ये डिजाइन है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैंने बताया है। और लास्ट लाइन हम बिल्कुल रेड निकाल के मैं बताती हूँ आपको। और देखिए ये आप इस दिवाली ज़रूर बनाइए। और पांच लाइन का पैटर्न पूरा बन गया है। लास्ट वाली लाइन मैंने 14 डबल क्रोशिया रेड से बना लिए। ये हमारा पूरा पैटर्न पूरा तैयार हो गया। अब इसमें हम इसकी बाउंड्री को मतलब सजाने के लिए मैंने यहाँ पफ स्टिच बनाए हैं। देख दिख रहा है आपको पफ स्टिच से इसको पूरा चारों मेर से बना लिया। और नीचे ये दिए जोड़ दिए। अब दिए क्या है, ये यूँ मुड़ते रहते हैं, है ना, ऊन के ना तो मुड़ते रहते हैं किनारे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इसके पीछे ये बाजार से जो लाल पीली थैलियाँ मिलती है ना, है ना, इसके टुकड़े को काट कर मैंने सुई से सिक्योर कर दिया है ताकि हमारा दिया भी सीधा रहे। ठीक है, और कितना सुंदर बना है, हैं। मैंने ये स्वास्तिक बना लिया, ऐसा स्वास्तिक बना के इसमें मोती लगा दिए। नीचे जो मैंने पिछले वीडियो में ये क्या दिए बनाने बताए थे तो दिया लटका दिया। आप बड़ी तोरण नहीं बना सकते, बड़ा तोरण पट्टी नहीं बना सकते, इतना तो बना ही सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।